और फिल्म आई संजय दत्त की, उसने एक मूवी बनाई और उसमें वो देता था जादू की, क्या बोलता था, और वो जादू की झप्पी मनु भैया ने दी, तो इसका मतलब उसने तो हमारी नकल की है ना। हमने पहले दी, उसने बाद में दी। और पहले कैसे दी कि एक माता आई है और माता है बहुत ज्यादा बीमार कष्ट में है। हम देखते हैं माता जी से पूछते हैं कि उस जादू की झप्पी का लाभ क्या हुआ, ठीक है ना, जादू की झप्पी का कोई लाभ तो होता है ना। आराम है मेरे, हाँ बताओ, आराम है मेरे बहुत, अभी क्या आराम है, दर्द हो रहा था। कहाँ होता है आपको, सारे शरीर में ही होता, पूरे शरीर में ही दर्द होता है, चल नहीं पाती, अशक्त है। अभी चल के देखा, चलने में क्या आसानी आई है आपको, चलने में थोड़ा आराम मिला, चलने में भी थोड़ा आराम मिला। आपने शनिदेव से मांगा था कि मुझे शक्ति दीजिए थोड़ी चलने में, मैंने मांगा था शनिदेव, फिर क्या हुआ, मिली मेरे को शक्ति, और शक्ति मिली। इसके लिए क्या होना चाहिए, बोलो सच्चे शनिदेव, ये चल पड़ी हैं, डेढ़ साल से बैठ पड़ी थी, इनकी क्रिया कराई गई धाम से और धाम में आई, ये एक चमत्कार हुआ। और चमत्कार क्या हुआ कि इनकी जो निगेटिविटी है वो इनके शरीर से रिमूव होने लगी, और जब वो रिमूव होती है तो आपके बहुत सारे रोग, बहुत सारे दर्द, बहुत सारे कष्ट ठीक हो जाते हैं। बोलिए सच्चे जय शनिदेव। मैं कैसे मान लूं, मुझे थोड़ा चल के दिखाए। ये कब से बीमार थी, डेढ़ साल से बिल्कुल बेड पे थी, डॉक्टरों को दिखाया, इनकी मुझे पता लगा, मैं इनके पड़ोस में रहती, मैं आई थी पहले अपना इलाज करवाने के लिए, फिर आप ठीक हुए, बहन जी ठीक हुई, तालियां बजाइए, और फिर यही इनको लेके आई जी। और ये कष्ट में थी, घनत्व कष्ट था, क्या डॉक्टरों को दिखाया गया, इनको क्या बताया डॉक्टरों ने, कैल्शियम की कमी वाले के उसने बेड रेस्ट बोला, बेड रेस्ट बता दिया, कैल्शियम की कमी और क्या क्या बता दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें, हाँ इसको ऊपरी चीजें हैं, और रोग भी ठीक हो जाएगा अब इनका, जब पुरानी चीज ऊपरी चीजें खत्म हो जाती है, जब कुपित वायु शरीर से चली जाती है, तो मैं कहता हूँ गोलियां ऐसे लगती है जैसे आदमी के शरीर में घी और मक्खन। जय शनिदेव बोलो, कौन से डॉक्टर को दिखाया, वही वहाँ से SI का कार्ड बना हुआ, बसई दारापुर प्राइवेट में, कहाँ दिखाया, पश्चिमपुरी, कौन से हॉस्पिटल में, बालाजी में दिखाया था, जो वही है ठीक हाँ। है अब क्या, चल के दिखा मुझे जरा सा, तो ये डेढ़ साल से खड़ी नहीं हो पा रही थी, नहीं, ये मेरे को भी किसी ने बताया कि मैं लेके आई, आओ और जीवन दौड़ने लगे, आपको सुचारू रूप से ऊर्जा मिले, आपकी प्राणवायु में तरलता आए, सरलता आए, आपको प्राण लेने में दिक्कत ना हो, और शनिदेव महाराज आपकी आयु का वर्धन करें, आपकी आयु की वृद्धि करें, और शनिदेव महाराज की सदा ही जय हो, शनिधाम का सदा ही नाम हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। सब एक बार प्रार्थना करेंगे कि ये जो माता जी है, इसके सारे दर्द शनिधाम के दूतों निकाल दो, बंधनहीन करके अग्निमुख में डाल दो, और इनको और आराम दे दो, ताकि ये दौड़ती फिरे और अपने बच्चों का पालन ठीक से कर ले, वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जय शनिदेव।